Hello guys, this is Mansi from evithati.in. Now we are starting with question number 2 of exercise 5.2. So in this question we have, where will the hand of a clock stop if it... अब देखो यहाँ पे आपको क्या गिवन है, पहले लास्ट क्वेश्चन में क्या था कि आपको बताया गया था कि आर हैंड इस मतलब नंबर से इस नंबर तक जा रही है तो कितना रेवोल्यूशन लेती है फ्रैक्शन में बताने। यहाँ पे आपको फ्रैक्शन गिवन है, आपको ये बताने कि अगर एक हमें पॉइंट गिवन है कि इस पॉइंट पे तो अब वो इतने फ्रैक्शन ऑफ रेवोल्यूशन के बाद कहाँ होगी। जैसे कि फर्स्ट पार्ट देखो, स्टार्ट्स एट 12, सो नाउ जो हमारी क्लॉक है उसका जो आर हैंड है वो 12 से स्टार्ट हो रहा है एंड मेक 1/2 ऑफ अ रेवोल्यूशन और हाफ रेवोल्यूशन वो कर रहे हैं क्लॉकवाइज, ठीक है। सो अब आपको बताना है उस रेवोल्यूशन के बाद जितना फ्रैक्शन गिवन है वो कहां पे हो। सो वी ड्रॉ क्लॉक लाइक दिस, 12, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8। सो हमें गिवन है कि वो स्टार्ट हो रहे 12 से, सो यहां से स्टार्ट हो रहे हैं राइट, और क्लॉकवाइज जा रहे हैं मींस इस तरह से 12 से 1, 2, 3, 4 जैसे नॉर्मल हमारी वॉच चलती है। नाउ मेक्स 1/2 ऑफ रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन फ्रैक्शन में गिवन है, हम एंगल में इसको कन्वर्ट करेंगे, लेट्स सी हाउ। हाफ इनटू 3/6, लास्ट में हमने लास्ट क्वेश्चन में कैसे निकाला था फ्रैक्शन, जो भी डिग्री एंगल का था उसको 360 से डिवाइड करके। अब हमें फ्रैक्शन गिवन है, एंगल निकालना है, सो उसको हम 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो इसको कैंसिल करेंगे, दिस विल बी 180 डिग्री राइट। अब यहां से क्लॉकवाइज 180 डिग्री का मतलब है स्ट्रेट एंगल, सो स्ट्रेट एंगल विल बी लाइक दिस, ये 12 से 6 तक आ गया, सो अब ये एंगल 180 डिग्री का हो गया एंड हमारी ये जो आर वाला हैंड है वो कहां पे आ गया, 6 पे, सो द आंसर विल बी एट 6, ठीक है। जो हमारा आर हैंड 12 पे था वो अगर हाफ रेवोल्यूशन लेगा तो वो 6 पे आ जाएगा। ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट से स्टार्ट्स एट 2। अब जो हमारा हैंड है वो 2 पे है एंड मेक हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज, अगेन क्लॉकवाइज 1/2 फ्रैक्शन ऑफ रेवोल्यूशन कवर कर रहा है। सो हियर इज द क्लॉक, 12, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8। सो स्टार्ट करना है हमें 2 से लाइक दिस। नाउ अब अगेन हाफ है, 1/2 × 360 कर देंगे, वो कैंसिल करेंगे, सो वी गेट 180 डिग्री। 180 डिग्री मींस अ स्ट्रेट एंगल। अब 2 से जो स्ट्रेट एंगल है वो कहां जाएगा, अगर यहां से आप इसको स्ट्रेट लेके जाओगे तो वो कहां पे आ रहे है, 8 पे, सो मींस 2 से 180 डिग्री विल बी अ स्ट्रेट एंगल एंड हमारा जो आर हैंड है वो 8 पे आ जाएगा, सो द आंसर विल बी एट 8। मींस अब ये हैंड हमारी 1/2 रेवोल्यूशन के बाद 8 पे पहुंच जाएगी। ओके, सो दिस वाज द सेकंड पार्ट, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। नाउ कमिंग टू द सी पार्ट, सी पार्ट सेज स्टार्ट्स एट 5, मींस अब ये जो हैंड है हमारी क्लॉक का दैट इज एट 5 एंड मेक्स 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज, अ फ्रैक्शन के गिवन है 1/4, सो फर्स्ट लेट्स ड्रॉ द क्लॉक, दिस इज 12, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8। सो अब हमारी क्लॉक है एट 5। ओके, नाउ 1/4 ये फ्रैक्शन गिवन है मल्टीप्लाइड विद 360 डिग्री, कैंसिल करेंगे, दिस विल कम एज 90 डिग्री। अब 5 से आपको क्लॉकवाइज 90 डिग्री एंगल बनाना है, 90 डिग्री एंगल में हमारे पास 3 नंबर्स आते हैं, जैसे हमने 12 से 3 में इस तरह देखते हैं ना तो 3 नंबर्स आते हैं, सो 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, मतलब यहां से अगर 90 डिग्री एंगल बनाना है तो दैट विल बी एट 8। ओके, सो 5 से 8 पे आ जाएगी अगर वो 1/4
रेवोल्यूशन कवर कर रही है. सो अगेन द आंसर विल बी एट 8. ओके, सो दिस वाज द सी पार्ट. लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट. नाउ कमिंग टू द डी पार्ट. डी पार्ट में हमारे पास है स्टार्ट्स एट 5 एंड मेक 3/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज. अगेन क्लॉकवाइज है. रेवोल्यूशन फ्रैक्शन क्या गिवन है हमें? 3/4. सो फर्स्ट लेट्स ड्रॉ द क्लॉक. दिस इज 12, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8. Right? Now it is at 5. Now 5 say 3/4 fraction given it. So 3/4 into 360 कर देंगे हम, right? Then इसे cancel करेंगे, this will be 90. So 3 into 9 is 27 and 0. So means 270 degree. अब ये 270 degree हमारा होता है 180 degree plus 90 degree. ठीक है, इसको basically हम simplify कर रहे हैं कि 180 plus 90. So 180 degree. 5 से 180 degree क्या होगा? Straight line कहाँ तक जाएगी? 11 तक. सो ये हमारी जो डॉटेड लाइन है ये जाएगा 11 तक 180 डिग्री. अभी 180 डिग्री से 90 डिग्री और जाना है, मतलब कि 11 से 3 स्टेप्स और. सो 1, 2, 3 कहां पे आया? 2 पे. सो दिस विल बी द फाइनल डेस्टिनेशन, बिकॉज आपको इस तरह से ये कंप्लीट करके 270 करना था. तो 5 से हमने पहले 180 देख लिया स्ट्रेट एंगल, कहां तक आया? 11 तक. अब 11 से 90 डिग्री, दैट विल बी 1, 2, 3, मतलब एट 2. सो द आंसर विल बी एट 2. ओके, सो दिस वाज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.